घूमते है यहाँ नशेड़ी बैठते है डेली तो पीते खाते हमारी गाय को आग लगा दी पड़ी बे। जानबूझ के लगाई है किसी ने? अब जानबूझ के लगाई जी, किसी पे शक है आपको? शक हमें से पहचानते तो है नहीं, अपना पीते खाते हम अपना चुप करके नीचे बड़ी करके आते हैं और चले जाते हैं। अभी तो क्या करें, वो पी खा रहे हैं, क्यों बोले उनको आग लगा दी हमारी मड़ई पे। हमारे को तो हमें दुख यही है कि हमारी गाय को मारा इसमें इन लोगों ने। अगर मिल जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? कुछ नहीं मिलता, क्या मिलेगा? ये देने से पूरा नहीं होगा, दिल तो संतुष्ट नहीं होगी ना जी। अगर हमें कोई देगा तो हमारी संतुष्टि नहीं होगी। हमारी गाय मार दिया। कितने साल से पाली हुई थी आपने गाय? 7 साल हो गए जी। कभी भी यहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पीते, हमने कभी कुछ नहीं बोला। एक दिन बोला था भाई आप लोग अपने घर जाके पिया खाए करो, बस यही बोला था मैंने। वहाँ से वाटर टेंडर निकला, साथ में जो है यहाँ पर जो कबाड़ी मार्केट होने के कारण वाटर बूजर जो है फायर स्टेशन मनी माजरा से निकला। जैसे ही मौके पर पहुंचे तो यहाँ पर अपाची आग काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बाद जो है जो हमारे जो इंचार्ज है क्या नाम अपना इंचार्ज थे उन्होंने बाकी जो कंट्रोल रूम बताया कि आग ज़्यादा है तो गाड़ियाँ और भेजी। उसके बाद एक अनदर गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी जो है फायर स्टेशन इंडस्ट्रीज के फेस से और दूसरी गाड़ी जो है मनी माजरा से, दो गाड़ियाँ जो है एक वाटर बूजर और एक वाटर टेंडर जो है सेक्टर 17 फायर स्टेशन से आया। 32 फायर स्टेशन एक टेंडर आया, एक जो है राम दरबार से फायर स्टेशन से टेंडर आया। तो उस दौरान फिर आग पर जो है काबू पा दिया गया और आपके जो है गाड़ी कुछ गाड़ी जो है मौके से यहाँ से जा चुकी है और वो गाड़ी आग जो तकरीबन मैक्सिमम जो है 99% छोटी मोटी आग की तेज पर आ रही है। आप देखें लगभग कितनी दमकल विभाग की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं? यहाँ पर तकरीबन जो है 8 से 9 गाड़ियाँ जो है दमकल विभाग की आई है। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया, कोई कारण पूर्ण छोटी मोटी आग है वो बीच में चल रहा है, कोई कुछ कारण पूर्ण पता सामने आया? कुछ कारण अभी इसका पूरी तरह अभी कोई पता नहीं लगा, अभी रात को होने के कारण। मुझे लगभग 2 बजे के आसपास पटेल जी का फोन आया था, वहाँ पर आग लग गई है और एक गाय जल के मर गई, तो मैं उसी समय वहाँ तक पहुँचा हूँ। पुलिस को फोन ये कर रहे थे, कंट्रोल रूम मोहाली को लग रहा था, मैंने भी फोन किया तो पता लग गया था कि गाड़ी निकल गई है। करीब 1 घंटे बाद में गाड़ी आई है। कितने बजे का मामला है, क्या ऐसे कारण आग लगने का कारण सामने आया? सूचना मिली तो मौके पर आग लगने का क्या कारण सामने आया? 2 बजे जो ये लोग बता रहे हैं कुछ बैड एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर आगे नशा वशा करते हैं और वो उनके द्वारा ये आग लगाई गई है। उनको इन्होंने पकड़ा भी था पर वो कहते हैं हम यहीं के लोकल हैं, वो छोड़ दिए। जब इन्होंने छोड़ा तो वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वहाँ से भागे हैं। अब उसको देखेंगे, उस कैमरा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ, पुलिस से बात करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अब अंदर काफ़ी यहाँ पर जो स्क्रैप मार्केट है, गाड़ी मार्केट है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका भी अभी देखते हैं। उसके अंदर काफ़ी कुछ लोग रहते भी हैं, उनका ना नुकसान हुआ अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर कुछ शरारती तत्व जो है यहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं, मुझे जहाँ जहाँ सूचना मिलती है तो मैं पुलिस को सूचित करता हूँ, पर इस पॉइंट के बारे में मुझे कभी किसी ने बताया नहीं। पर आज काफ़ी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके साथ डेली 1-2 बजे रात तक वो नशा करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। तो वो देखना पड़ेगा वो कौन से लड़के हैं और कहाँ से आते हैं। ये कह रहे हैं वो जब इन्होंने छोड़ा तो वो उधर की तरफ भागे हैं, मोली जागरा की तरफ, राजीव कॉलोनी के हो सकते हैं या कहीं आसपास के। और वो डेली आते हैं तो इस बात को बताना चाहिए था हमें या पुलिस के नॉलेज में डालना चाहिए था कि यहाँ पर लोग बैठते हैं, इतना बड़ा नुकसान करिए। मौके पर पहुँचे हैं दुबे जी, क्या मदद बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, इनका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हो, प्रशासन से हमारी डिमांड है और पुलिस से ये कहना है कि थोड़ा सा एरिए में मुस्तैदी बढ़ाएं, इलेक्शन का समय है, कोई और जान माल का नुकसान न करने को। ये जितनी वारदातें होती हैं ये सब जो नशा करने वाले लोग हैं वही करते हैं और देर रात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर घरों को ऊपर चढ़ के काफ़ी वो जो टंकियाँ बनी हैं पानी की उससे वो वाल वगैरह टोटियाँ खोल के लेके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा पुलिस को भी और हमारे लोगों को भी, जो लोग जिनके संज्ञान में वो मुझे बताएं, जो लोग कहीं भी कोई इस तरह के लोग बैठते हैं तो उसकी जानकारी मुझे बताएं, पुलिस को बताएं या कोई जो भी सोशल वर्कर हैं उनके ध्यान में लाएं।